नमस्कार, प्राइम 18 न्यूज मीडिया ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। भारत देश सोने की चिड़िया कही जाती है और ये सोने की चिड़िया की शाखाओं पर मधुर बोल किया करती है। हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, लेकिन समय बीतता गया। आज हमारे सामने आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपया। तहसील एतमादपुर के ब्लॉक खंदौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेमरा के गांव नगला जालिम के दिसंबर प्रजापति का कहना है कि जब से प्लास्टिक चली है तब से मेरे मिट्टी के बर्तन और हमारा रोजगार छूट गया है। उस वजह से हमें अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मेहनत भी करानी पड़ती है, तब हमारा घर का खर्च निकलता है। हमें सरकार से ना तो कोई आवास मिला है, ना ही हमारे बच्चों को अच्छे विद्यालय में फ्री पढ़ाने की योजना। मिट्टी के हम बर्तन बनाते हैं और हमारे बच्चे गांव में बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्चा और घर के खर्चे के लिए पैसा आता है। ऐसे ही हमारा घर गुजारा हो रहा है। गरीब बच्चों का टैलेंट पढ़ाने लिखाने की उम्र है। ये बच्चे अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं। बच्चों का भविष्य क्या होगा इनको खुद नहीं मालूम और इनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि इनकी अच्छी जगह में पढ़ाई करवा सकें, अच्छे स्कूल में दाखिला करा सकें। यहाँ बच्चे हमारे भारत में ऐसे ही कहीं जो कि गरीबी के अभाव में कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें इनके कुछ करने का जज्बा रखना चाहिए। ऐसे लोग हैं प्रजापति समाज का एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, उसे अपने विद्यालय की फीस जमा करने के लिए गाँव में मिट्टी के बर्तन बेचने पड़ते हैं। जब उसकी पढ़ाई की फीस जमा हो पाती है और राधा कृष्ण का कहना है कि तीज त्योहार से जुड़ी परंपराओं से उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाता है और विद्यालय की फीस भी जमा हो जाती है। कहाँ पे जा रहे हो? गांव में बेचने जा रहे हैं। क्या क्या बेचती हो? बेटा तुम पढ़ने नहीं जाते हो? उसके बाद जैसे कड़ी बेचने आ रहे हो और फड़ भी लेते हो? अच्छा, फीस जमा हो जाएगी। पापा भी यही काम करते हैं। यानी कितने रुपए, यानी शाम तक कितने रुपए की बेची आती हो? मेहनत कौन करता है? यानी आप खुद ही बनाते हो मिट्टी के कड़े को, कहीं से खरीद के लेके आते हो? हमारे पापा बनाते हैं अपने हाथों से ही। क्या नाम? दिसंबर। जैसे जो तुम्हारा छोटा सा बच्चा है जो कृष्ण नाम का है, जो बर्तन बेचने जाता है, इसे फड़ने के लिए बेचती हो आप? हाँ, बस पढ़ने के लिए भेजते हैं और काम वो अपना काम भी करते हैं। बच्चे क्या करे, जैसे अपना काम पढ़ के आए वैसे बच्चे अपने काम पे लगते हैं और क्या करे जी, मेहनत यही है। अब छोटे मोटे आदमी क्या करे जी, खाने पीने के लिए। सरकार ने कोई ऐसी कोई योजना बनाई, यानी तुम्हारे लिए कोई सुविधा सोची हो पैसे की, या बच्चों के लिए फ्री फीस? या कोई सुविधा नहीं हमारे बच्चों के लिए, कोई फ्री सेवा नहीं है, कोई बुनी चीज़ है, कोई आज तक सुनाई नहीं हुई है, कोई बात नहीं है रही है। क्या करें, गरीब लोग हैं, कोई सुनाई नहीं करता आजकल के ज़माने में। कितनी बच्चे हैं आपके? हमारे चार बच्चे हैं। चारों बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं या बर्तन ही बेचते हैं? नहीं, दो बच्चा पढ़ने जाते हैं, एक लड़का एक लड़की, बस छोटे छोटे जो पढ़ने जाते। क्या नाम उनका? राधा किशन और चांदनी। जैसे सरकार तो गरीबों के लिए फ्री शिक्षा, सब चीज़ फ्री योजना दे रही है, उसके बावजूद भी तुम्हें कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं मिली हमें। जब मिट्टी के बर्तन क्या क्या बना लेते हो आप? मिट्टी के बर्तन यही बना लेते हैं अपने, जो गुजारा करवे काला बस, जो बर्तन बनते कहाँ से, छोटे बड़े ने और क्या। फिर भी जैसे देखे जाए तो मिट्टी के बर्तन यूज किए जाते हैं, प्लास्टिक के में तो हर एक तरह की बीमारी फैलती है, और तुम्हारे मिट्टी के बर्तन में कोई अच्छी सुविधा मिलती है और उसके बावजूद भी तुम्हारी ऐसी कोई बिक्री नहीं है? ऐसी कोई, जब प्लास्टिक नहीं चल रही है तो फिर सुविधा कहाँ से मिलेगी जी, बताओ। बिक्री जो खत्म ही जाएगी, हम क्या करें। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।